हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र करनाल के साथ अपनाए सौतेले व्यवहार को लेकर 2 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में डीसी कार्यालय के सामने कान खोलो धरना एवं प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी करनाल कांग्रेस के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने समाचार एक्सप्रेस को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हरियाणा सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है, जिसको जगाने के लिए कान खोलो धरना दिया जाएगा और उसके बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम करनाल विधानसभा क्षेत्र में की जा रही उपेक्षा को लेकर दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह चाहे चुनाव जीते या हारे, वह हमेशा जनता के बीच में रहेंगे और जनता की आवाज समय समय पर उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस धरने प्रदर्शन के बाद भी मुख्यमंत्री करनाल की उपेक्षा करते हैं तो आगे भी यह धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। देखिए समाचार एक्सप्रेस पर कांग्रेस पार्टी के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने क्या कुछ कहा। जो जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये कान खोलो आंदोलन चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत क्या कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ आप सरकार को चेताना चाहते? ये जो कार्यक्रम है ये विधानसभा करनाल के साथ जो मतदाताओं के साथ 2014 से लेकर अब तक झूठ की राजनीति के सहारे मुख्यमंत्री महोदय चल रहे हैं, उसको बेनकाब करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये प्रदेश का नहीं है, ये खाली विधानसभा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है। 2014 से लेकर अब तक जितने भी मुख्यमंत्री ने वादे किए करनाल की जनता के साथ, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। CM सिटी क्राइम सिटी बन गया, स्मार्ट सिटी कागजों में दफन हो गया, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर कॉलेज बन गया, हर केस को रेफर कर दिया जाता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट करनाल के अंदर फेल हो गए, चाहे ई रिक्शा, ई टॉयलेट, बस यात्रा जो निजी लोकल बस सर्विस है वो, सांझा साइकिल अभियान, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो सरकार ने चलाए सारे फेल हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान इनकी तरफ नहीं जा रहा, करनाल के लोगों की तरफ नहीं जा रहा। करनाल की गलियां, करनाल की सड़कों का बुरा हाल है, पानी व्यवस्था ठीक नहीं है, सीवर व्यवस्था ख़राब है, लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान कहीं नहीं जा रहा। हमने मुख्यमंत्री को पूछे, कुछ दिन पहले मैंने मैसेज भेजा था, लेटर लिखी थी, वीडियो मैसेज किया था कि 2 घंटे मेरे को दो, ताकि 2 घंटे के अंदर या मेरी गाड़ी में आप आ जाओ या आपकी गाड़ी में मैं बैठता हूँ, मैं करनाल की सही स्थिति आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं उनको उन गलियों में, उन सड़कों पर ले जाना चाहता था जहाँ से लोग पैदल भी नहीं चल सकते, और बरसात के दिनों में तो बिल्कुल कट जाता है, हल्का अलग अलग हो जाता है, टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाता है। बरसात के दिनों में तो पैदल भी चलना मुश्किल हो जाता है, धूल भरी जाती है। विकास कार्य जो शुरू किए 2-2 सालों के बीच में पेंडिंग पड़े हैं, यहाँ तक कि एक डेड बॉडी को लेकर जब शमशान जाया जा रहा था पुराने शहर में, तो वहाँ लोग गिर गए, डेड बॉडी भी गिर गई। बड़ी दुखदायी सी बात नज़र आती है कि लोग पैदल भी नहीं चल सकते, तो इससे ज़्यादा और करनाल की दुर्दशा क्या हो सकती है। CM सिटी, स्मार्ट सिटी तो हम भूल चुके हैं, लेकिन हम क्राइम से बचाना चाहते हैं, जो करनाल की पहले स्थिति थी उससे बचाना चाहते हैं, उससे भी वही रहना दे करनाल, तब भी हम खुश थे। ज़्यादा आगे दिखाने के सपने देकर जो हम पहले थे उससे भी पिछड़ते जा रहे हैं। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, हॉस्पिटल चौक से अब मॉडल टाउन की तरफ जाओ अब पैदल नहीं चल सकते, मॉडल टाउन 80% ख़त्म हो चुका है। ऐसे ऐसे एक ही मॉडल टाउन नहीं, शहर शहर की बात है, अगर मैं बात कहूँ तो 50 गलियाँ या 60 गलियाँ या 50 मोहल्ले हैं, सारों का यही हाल है। सर 10-15% ऐसे काम हैं जहाँ काम ठीक हैं, बाकी 95% काम ख़त्म है। 6 करोड़ रुपया करनताल पार्क में लगा, उसका कुछ हिसाब किताब नहीं है। 1 करोड़ रुपया ये जो गेट बनाया उस पर लगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जब हम मांग करते हैं, इंक्वायरी की जाए, कोई जवाब दे नहीं है। करनाल में कोई नुमाइंदा नहीं है भाई जो जवाब दे हो मुख्यमंत्री का। अब करनाल किसके हवाले है, इस बात को लेकर करनाल के लोग बड़े चिंतित हैं भाई, हमारा भविष्य क्या है। बेरोजगारी के साथ लड़ रहे हैं, दुकानदार परेशान है, कर्मचारी परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री के कानों पर जू नहीं रेंग रही। इसलिए हम कान खोलो प्रदर्शन 11 बजे से लेकर 1 तक धरना देंगे। 1 बजे हम ढोल बजाते हुए उपायुक्त महोदय के कार्यालय में जाएंगे, इसलिए उसका नाम रखा कान खोलो प्रदर्शन, हम ताकि हम ढोल बजा के जाएंगे। फिर भी अगर मुख्यमंत्री का ध्यान करनाल की तरफ आकर्षित नहीं होता
तो हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जब जब मुख्यमंत्री करनाल आएंगे उनका घुराव भी करेंगे, उनको काले झंडे भी दिखाएंगे ताकि वह महसूस करें भाई ये त्रिलोचन सिंह नहीं बोल रहा, ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही, ये करनाल की लोग बोल रहे हैं, 2.25 लाख लोग बोल रहे हैं करनाल विधानसभा के, उनकी आपको छोटी पर खड़े नहीं उतरे। कौन सी तारीख और क्या टाइमिंग रही? हम 2 तारीख को मंडे को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना देंगे। 1 बजे हम वहाँ से ढोल बजाते हुए सेक्रेटेरिएट के चारों तरफ घूमकर प्रदर्शन करते हुए उनको मेमोरेंडम सौंपेंगे। ये सर्वसंकेतित है, 101 मेंबर हमारे जाएंगे उस पर ज्ञापन देने के लिए, बाकी लोग वहीं रुकेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जो हुआ करनाल के लोगों की जनता की आवाज़, मैंने वादा किया था मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.